हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम बात करेंगे फिर से एलटी एग्जाम के बारे में। तो एलटी एग्जाम्स के जो नोट्स आप लोगों ने लिए या उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, जो भी लोग जुड़ रहे हैं कोर्सेज से। अब कई लोगों के डाउट्स हैं कि किस तरह के नोट्स हैं या किस तरह से हम स्टडी करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने अभी तक पिछली भी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ मैं, 3 से 4 वीडियो नोट्स से। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का सम लिटरेरी टर्म्स इन वन लाइन। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि 104 पेजेस की ये जो टोटल पीडीएफ है, और उसमें आपको वन लाइन में टॉपिक्स और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ऊपर ये वाला जो है वन लाइन में है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमने इसे वन लाइन दिया है और इसके साथ में आप लोगों को नोट्स भी हैं, मींस आप शॉर्ट नोट्स आप लोगों को इसमें मिलेंगे। तो इसी तरह की आप लोगों को लगभग 32-35 लिस्ट इसमें आप लोगों को मिलेगी, जैसे इंडियन राइटिंग्स, इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर्स वगैरह। आज थोड़ा सा हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको साउंड सुनाई दे, क्योंकि बाहर मेला चल रहा है और मेरा जो रूम है जस्ट बगल में है, तो काफी सारा साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन हो सकता है कि ना भी आए। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको लोगों को फील होगा। तो चलिए इसे देखते हैं, सम लिटरेरी टर्म्स इन वन लाइन। एक लाइन में कौन कौन से आपको, और इसका फायदा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बेनिफिट क्या है। यहाँ पर क्या होता है कि जब ये आएगा आपके पास में कोई भी टर्म आएंगे इस साइड के, जैसे कंसेट, पैराडॉक्स, पैथेटिक फैलेसी, तो आप लोगों को अगर ये शॉर्ट में पता है इनके बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप हिट एंड मिस केस का की बात होती है, तुक्का की बात होती है, तो आप लगभग 70-80% आप करेक्ट हो जाते हो तुक्का मारने में भी, अगर आपको ये चीजें पता है तो। इसलिए मैंने इसे बनाया था जब मैं तैयारी कर रहा था। तो ये जो पूरी आपकी लिस्ट है वो आपको हेल्प करेगी कि अपना जो आंसर है उसे करेक्ट करने में, चाहे आपको उसका मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन क्योंकि होता क्या है कि 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 60 प्लस तो सभी कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी जिन्होंने की है या जो कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है कि जो 20 मार्क्स का होता है, क्योंकि 80 में तो लगभग सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है, तो जो ये 20 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर हम तुक्का मार रहे होते हैं, तो हमें क्या करना है कि उसमें अपना जो स्कोर है उसे हाई बना के रखना है। उसके लिए ऐसी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। तो जैसे एम्बिग्युटी है, एम्बिग्युटी क्या होता है, एम्बिग्युटी मल्टीपल मीनिंग, अगर एक ही सेंटेंस के या वर्ड के फैक्ट के काफी सारे मीनिंग्स मिल रहे हैं, बहुत क्लियर मीनिंग नहीं है, तो वहाँ पे एम्बिग्युटी होता है। कंसीट, एक्सटेंडेड मेटाफोर, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताऊं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वन लाइन में या टू वर्ड्स में, लाइन भी नहीं कह सकते, लेकिन वन और टू वर्ड्स या फ्रेज में जो लिटरेरी टर्म है उसे करने की कोशिश करेंगे। तो पैराडॉक्स, कॉन्ट्रेरी बट ट्रू। पैराडॉक्स कैसा होना चाहिए, उल्टा, अपोजिट होता है लेकिन उसमें क्या होता है, सच होता है। पैथेटिक फैलेसी क्या होता है, एस्क्राइब इन एनिमेट ह्यूमन कैपेबिलिटीज। यहाँ पे पैथेटिक फैलेसी तब होती है जब हम क्या करें कि इनएनिमेट कोई भी चीज हो, निर्जीव कोई चीज है, और उसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज उसमें डाल लेते हैं। सिनेकडॉक, सिनेकडॉक कब आता है, पार्ट्स स्टैंड फॉर अ होल। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे 10 हाथ है हमारे पास काम करने के लिए, 10 लोगों की हम बात कर रहे हो। ट्रांसफर्ड एपिथेट, हाइपलेस और इंटरचेंज, ये ट्रांसफर एपिथेट और हाइपलेस ये लगभग क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं या इंटरचेंज भी कई बार इसके लिए वर्ड यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बोले तो स्लीपलेस नाइट्स। ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स, अब क्या है, नाइट जो है वो स्लीपलेस नहीं होती है, इंसान स्लीपलेस होता है, लेकिन जो मीनिंग है वो इंसान के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ह्यूमन के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से, तो आप लोगों को सिर्फ अभी टर्म्स कर लेने, और इनके लिए आप लोगों को फिर से मैं कहूंगा कि जो पूरी पीडीएफ है उसमें आप लोग कार्ड्स बहुत बनाइए। जो भी लोग कोर्स से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना आप लोगों का 104 पेजेस का ये है, और 100 पेज की अनदर फाइल मैंने आप लोगों को दी, तो 200 पेज के आप लोगों को पूरे कार्ड्स बनाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। मेटोनिमी, सब्स्टिट्यूटिंग बाय वर्ड्स, एंटीथेसिस, पुट टुगेदर कॉन्ट्रेरी थिंग्स, मॉरलिटी प्लेस, प्लेस विद मॉरल, एंड इंटरल्यूड, प्लेस बिटवीन प्लेस, स्पेंसेरियन, नाइन लाइन पोएम, ये क्या होती है, लाइन लाइन की पोएम होती है,
यूफनी स्ट्राइक ईयर्स स्मूथ, कैकोफोनी स्ट्राइक ईयर्स हार्श, एंड रेटोरिक मेकिंग मोर इम्प्रेसिव, एंड एसोनेंस सिमिलर वोवल साउंड, अलिट्रेशन द रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, एपिथेट एंड एडजेक्टिव और निक नेम, ओके दैट इज कॉल्ड एपिथेट, एपिग्राम, ब्रीफ विटी वर्ड्स, और कई सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की या तैयारी की, बस शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी एडवांस लेवल तक ये चीजें लेके चली जाती है। नहीं तो आप क्या करेंगे कि काफी इन वर्ड्स को काफी टाइम के बाद आपको आपको समझ में आएगा, या हम कहें कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। यूफेमिज्म, सब्स्टिट्यूटिंग अनप्लीजेंट वर्ड, ठीक है, जैसे यूफेमिज्म काफी टाइम के बाद समझ में आता है। तो जैसे कि हम डेथ वर्ड के लिए क्या कर देते हैं, हम बोल देते हैं ही पास्ड बाय, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डेथ वर्ड जो है वो थोड़ा सा हार्श वर्ड है। आयरनी, कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड सैड, सोनेट 14 लाइन पोएम एंड कथार्सिस, प्यूरिफिकेशन पर्गेशन के लिए यूज होता है ड्रामा एंड प्लेस में, हमार्शिया, ट्रेजिक फ्लो ऑफ हीरो और विलेन, इट कैन बी पेरिपेशिया, सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून, रिकॉग्निशन, स्टेट ऑफ इल्यूजन, ओटावा रायमा, ओटावा में आपकी 8 लाइन होती है, ये इटालियन है और इसका राइम स्कीम होती है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी सी, पेट्राकन सोनेट ए बी बी ए बी बी ए एंड सी डी सी डी, इसमें दो होते हैं ऑक्टेव और सेस्टेट, सेस्टेट 6 लाइन, ऑक्टेव 8 लाइन, ठीक है। इंग्लिश सोनेट ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड जी जी, पिंडारिक ओड, ओड इन 3 पार्ट्स, इसमें स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपॉड 3 आता है सी, ये आप लोग याद रख सकते हैं। इलेजी, ये सी जो बनाया था ये मैंने शॉर्टकट बनाया था इसे याद रखने के लिए। कियाज्मस, इलेजी एक्सप्रेसिंग सोरो एंड लेमेंटेशन, बहुत फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। कियाज्मस क्या होता है, पैरेलल इन सिंटैक्स बट रिवर्स इन ऑर्डर, हम इन्हें एग्जाम्पल के साथ में भी स्टडी करेंगे जब हम इन्हें डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को इसी तरह से याद रखना है। एब्सर्डिज्म, मीनिंगलेस और विदाउट लॉजिक, एग्जिस्टेंशियलिज्म, हैविंग एग्जिस्टेंशियल एटीट्यूड, एग्जिस्टेंशियल एटीट्यूड, इंडिविजुअल शुड बी स्टार्टिंग पॉइंट, मींस एग्जिस्टेंशियल एटीट्यूड में क्या होता है कि हम इंडिविजुअल को अपना फोकस पॉइंट बनाकर रखते हैं। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, प्ले ऑफ 1950s, लेट 1950s के थे थिएटर एंड ऑफ एब्सर्ड, ये बिलोंग करते थे। सब्जेक्टिव ऑथर इनकॉर्पोरेट्स पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑथर प्रेजेंट्स द इन्वेंटेड सिचुएशन। सो ये आप लोगों के आते हैं शॉर्ट नोट से, कुछ लिटरेरी टर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर हो गया, ब्लैक वर्ड्स हो गया, क्लैरी यू हो गया, फ्री वर्ड्स, तो ये क्या है आप लोगों के शॉर्ट नोट्स हैं, और शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को होता क्या है कि हमें थोड़ा सा आइडिया देने के लिए होता है, ठीक है। इसी के साथ आपको डिटेल्ड नोट्स में मिलते हैं, और आप लोगों को 3-4 पार्ट्स में आप लोगों को अपनी स्टडी करनी है। पहले आप डिटेल नोट्स पढ़ेंगे, उसके साथ में आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ में डिटेल नोट्स पढ़िए, उसमें आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, और फिर एमसीक्यूज पढ़िए एज वाइज, और फिर टॉपिक वाइज आप एमसीक्यूज पढ़िए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो लिटरेचर पार्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो 60-70 डेज में भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को चीज़ें थोड़ा सा क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, और फिर हम जाएंगे डिटेल टॉपिक्स की तरफ को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।